हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दो सुपर बाइक्स के ऊपर और उनके स्पेशल इंजन्स के ऊपर। सो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आखिर तक देखिए गाइस, मजा आने वाला है। इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक अगर देखा जाए 1000 सीसी के अंदर तो कावासाकी ZX10R है गाइस। कावासाकी की ZX10R डेली में 14 लाख की आती है एक्स शोरूम, जो की 1000 सीसी कैटेगरी में सबसे सस्ती बाइक है गाइस और मोस्ट लो बाइक है इंडिया में। इस बाइक के लुक्स और इस बाइक के इनलाइन 4 की आवाज़ हर कोई फैन है गाइस। इस बाइक के इनलाइन 4 का विद द SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट के साथ मैं वॉइस आगे डालता हूँ गाइस। ये बाइक जब स्टार्ट होती है तो ऐसे लगता है कोई लायन रोर कर रहा होगा गाइस। बहुत ही अमेजिंग मशीन है कावासाकी की ZX10R। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड सुपर बाइक के बारे में, जो है Yamaha R1। Yamaha R1 इंडिया में बहुत ही कम है गाइस। ये बाइक वन ऑफ रेयरेस्ट बाइक भी कह सकते हैं आप इंडिया में। Yamaha R1 पे मैंने एक डिटेल रिव्यू बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। सो बात करते हैं कि मैंने सेकेंड सुपर बाइक Yamaha R1 ही क्यों सिलेक्ट की। सो आपने ZX10R का आवाज़ सुन ही लिया होगा इस वीडियो में, पर Yamaha R1 का आवाज़ ZX10R से थोड़ा सा अलग है। सो मैं उसकी आवाज़ आगे डालता हूँ गाइस। इन दोनों बाइकों में से आपको Yamaha R1 की आवाज़ ज़रा बेसी और ब्रॉड लगेगी। उसके पीछे का रीज़न मैं आगे बताता हूँ गाइस, मगर इसी वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना गाइस, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आगे आपके लिए ला सकूँ। YZF Yamaha R1 में स्पेसिफिकली क्रॉस प्लेन इंजन यूज़ किया जाता है गाइस। क्रॉस प्लेन इंजन का मतलब होता है कि इसमें 4 पिस्टन अलग अलग टाइम पर ऊपर नीचे होते हैं। उसका फोटो मैं आगे डालता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वहीं अगर आप ZX10R का इंजन देखोगे तो इसमें पिस्टन्स की रोटेशन अलग अलग है। 2 पिस्टन ऊपर की तरफ जाएंगे और 2 पिस्टन नीचे की तरफ जाएंगे, जिससे इंजन में स्मूथनेस और बाइक का आवाज़ बहुत स्मूथ आता है। ZX10R में इनलाइन 4 जो इंजन यूज़ किया है उसके पिस्टन्स का पिक्चर मैं आगे डालता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने 4 ड्रमर्स खड़े हैं और वो चारों ड्रमर्स एक ही साथ एक ही बीट बजा रहे हैं, तो उनके बीट का आवाज़ एकदम स्मूथ आएगा, जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा गाइस। उसी तरह इनलाइन 4 में होता है गाइस। और उसके अपोजिट ही अगर चारों ड्रमर अलग अलग बीट बजाते हैं तो वो अलग ही वॉइस आती है गाइस, जो मैच नहीं होती, स्मूथ नहीं होती। उसी तरह क्रॉस प्लेन इंजन में होता है गाइस। क्रॉस प्लेन इंजन में अलग अलग पिस्टन अलग अलग समय पर ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए क्रॉस प्लेन इंजन की साउंड अलग आती है गाइस। ये दोनों बाइक परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही सुपर क्लास है। कावासाकी ZX10R तो SB के चैंपियन भी रह चुकी है और Yamaha R1 को लेजेंडरी बाइक भी कहा जाता है गाइस। इन दो बाइकों का अलग अलग फैन बेस है गाइस। किसी को इनलाइन 4 की आवाज अच्छी लगती है तो किसी को क्रॉस प्लेन इंजन की आवाज अच्छी लगती है। लुक्स के मामले में दोनों बाइक्स बहुत ही सुंदर है गाइस। मैं खुद Yamaha का बड़ा फैन हूं, बट अगर 1000 सीसी कैटेगरी में मुझे बाइक लेनी हो तो मैं कावासाकी ZX10R की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये बाइक बहुत ही सुंदर है। इनलाइन 4 की तो बात ही अलग है गाइस। और हां, और एक बेनिफिट है, लाइट ऑन पॉकेट है गाइस। 14 लाख एक शोरूम, जो कि सुपर बाइक के कैटेगरी में बहुत ही सस्ती बाइक है गाइस। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये दोनों बाइक में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा अच्छी लगी गाइस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को Mamoto Mans। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइज़।